सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों इस टाइम पर वर्ल्ड कप का माहौल काफी ज्यादा गर्म चल रहा है, जहां पिछले ही मैच में वर्ल्ड कप के टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम को काफी शर्मनाक हार दिलाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल की थी, जो कि 89 रनों से, जो कि भारतीय टीम की इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप 2019 का पॉइंट टेबल में काफी बदला हो गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2019 के पॉइंट टेबल के बारे में, जो कि एनालाइज करेंगे कि कौन सी टीम कहां पर मौजूद है और वो कौन कौन सी टीम वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और वो कौन कौन सी टीम है जो फिलहाल वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल से बाहर हो रही हैं, यानी कि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगी। तो गाइस पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2019 में जहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, तो वहीं साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। और वर्ल्ड कप के 22वें मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जो कि फिलहाल अभी तक टीम इंडिया पहले स्थान पर नहीं पहुंच पाई है, उसका एक रीजन है। लेकिन इस टाइम पर तीसरे स्थान पर जो भारतीय टीम पहुंची है, एक मजबूत स्थिति में है, और यहां से सेमीफाइनल में पहुंचना टीम इंडिया का कंफर्म है। तो वहीं पाकिस्तान टीम का भारत के खिलाफ बड़े अंतर से हार मिलने के बाद पाकिस्तान की टीम अब सीधे 9वें स्थान पर पहुंच गई है। अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर 1 की, तो यहां पर फिलहाल वर्ल्ड कप 2019 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप में, जिसमें से 4 मैच में जीत मिली है, 1 में हार मिली है, और इनके पॉइंट्स हैं टोटल 8 पॉइंट्स है, और इनका नेट रन रेट है +0.81। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी अभी तक 4 मुकाबले खेल चुकी है वर्ल्ड कप में, जिसमें से 3 में जीत मिली है, तो वहीं 1 मैच ड्रॉ रहा है इंडिया के खिलाफ, जिसके साथ न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर मौजूद है, और इनके टोटल पॉइंट्स हैं 7, और इनका नेट रन रेट काफी बढ़िया है, जो कि +2.16। दोस्तों न्यूजीलैंड का नेट रन रेट वर्ल्ड कप की सभी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतर है, और वर्ल्ड कप 2019 में नेट रन रेट बढ़िया रहना काफी ज्यादा मायने रखता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में सिर्फ 4 टीमें ही पहुंचेंगी, जहां सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सभी टीमों को अपने 9-9 मुकाबले में से 6-6 मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन जिस टीम का सबसे बढ़िया नेट रन रेट होगा, बेहतर नेट रन रेट होगा, वो टीम 5 मैच जीत कर भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती है, अगर उनका नेट रन रेट बढ़िया रहता है। वहीं अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम फिलहाल वर्ल्ड कप 2019 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है, और टीम इंडिया ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, जहां पर 3 में जीत मिली है, तो वहीं 1 मुकाबला रद्द हो गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसके साथ फिलहाल टोटल 7 पॉइंट्स है भारतीय टीम के, और इनका नेट रन रेट भी काफी बढ़िया है, जो कि +1.02 है। दोस्तों अब यहां से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्के करने के लिए बाकी बचे हैं 5 मुकाबले, और अगर भारतीय टीम इन बाकी बचे 5 मुकाबले में से 3 मुकाबले और जीत जाती है, तो डायरेक्ट 100% टीम इंडिया पहुंच जाएगी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में। लेकिन अगर इन 5 मैचों में से 2 मुकाबले भी जीत जाती है टीम इंडिया और इनका नेट रन रेट बढ़िया रहता है, तो ऐसे में तब भी क्वालिफाई कर जाएगी टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए। तो ऐसे में अभी से 90% माना जा रहा है कि टीम इंडिया भी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें चौथी टीम के बारे में, तो नंबर 4 पर है इंग्लैंड की टीम, जो कि इंग्लैंड की टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत मिली है, तो वहीं 1 में हार मिली है, और इनका पॉइंट्स है 6, और इनका नेट रन रेट भी काफी बढ़िया, जो कि +1.55। तो वहीं वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद है श्रीलंका की टीम, जहां श्रीलंका ने 5 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 1 में जीत मिली है, और इनके टोटल पॉइंट्स हैं 4, और इनका नेट रन रेट है -1.778, जो कि काफी खराब है, और इनका वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचना ये लगभग नामुमकिन है, जो कि 20% चांस है। तो इसके बाद 6वें स्थान पर मौजूद है वेस्ट इंडीज, जहां वेस्ट इंडीज ने भी 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 1 ही मुकाबले में जीत मिली है, जहां पर इनके टोटल पॉइंट्स है 3, और इनका नेट रन रेट है +0.66, और इनका भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना यह भी लगभग नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि इन्हें भी लगातार अब बाकी बचे सारे ही मुकाबले जीतने होंगे, वो भी अच्छे नेट रन रेट के साथ। ऐसे में वेस्टइंडीज टीम के सेमीफाइनल में पहुंचना इनके सिर्फ 15% चांस है। तो इसके बाद 7वें स्थान पर मौजूद है साउथ अफ्रीका की टीम, जहां साउथ अफ्रीका ने अभी तक वर्ल्ड कप में 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है, और इनके टोटल पॉइंट्स हैं 3, और इनका नेट रन रेट भी काफी खराब है, जो कि -0.208 है, जिसके चलते इनका वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है, जो कि इनके भी सिर्फ 15% चांस हैं।
तो इसके बाद आठवें स्थान पर मौजूद है बांग्लादेश की टीम, जहां बांग्लादेश की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में चार मुकाबले खेले हैं और इन चार मैचों में से सिर्फ एक मैच में जीत मिली है बांग्लादेश की टीम, जहां पर इनके टोटल पॉइंट्स है 3 और इनका नेट रन रेट भी है -0.714 जो कि काफी खराब नेट रन रेट है। तो इसके बाद नवे स्थान पर मौजूद है काफी हैरान करने वाली टीम जो कि पाकिस्तान। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2019 में काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है, जो कि अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और इन 5 मैचों में सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली है टीम पाकिस्तान को, जिसके चलते नवे स्थान पर मौजूद है क्योंकि इनका रन रेट भी काफी खराब है, काफी ज्यादा माइनस में है, जो कि पाकिस्तान के भी टोटल 3 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -1.933। और पाकिस्तान के यहां इतनी खराब नेट रन रेट की वजह से अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है तो ऐसे में बाकी बचे सारे ही मुकाबले लगातार जीतने होंगे, वो भी अच्छे नेट रन रेट के साथ। तो इसके बाद नंबर 10 पर मौजूद अफगानिस्तान की टीम, जहां अफगानिस्तान ने 4 मुकाबले खेले हैं और 4 के चारों ही मुकाबले में हार मिली है टीम अफगानिस्तान को, इसी के साथ इनके 0 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -1.638। ऐसे में तो अफगानिस्तान की टीम यहीं से वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी, ये 100% कंफर्म हो चुका है। तो गाइस ये रहा वर्ल्ड कप 2019 के पॉइंट्स टेबल का पूरा एनालिसिस कि कौन सी टीम कहां पर मौजूद है और कौन सी टीम वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती है।